हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? जिस तरह हम लोगों ने नाइन्थ में सीखा था जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, कोई भी पॉलीनोमियल होता है उसमें एक्स की कुछ वैल्यूज होती हैं जिसके लिए उस पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो होती है, उसे हम लोग जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल कहते हैं। उसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी उस इक्वेशन में एक्स की कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको उस पर रखने से या उस पर रखने से उस इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है या उसके दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं एक्स की कुछ वैल्यूज़ के लिए। जैसे हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, अगर हम लोग इसमें एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी रखें ताकि इसका लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो हो जाए, राइट हैंड साइड तो जीरो है, एक्स की कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिसको यहाँ पर रखने से इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो कहलाएंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन या हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पे रखने से, इस इक्वेशन पे रखने से इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन होती है उसके कुछ सॉल्यूशन भी होते हैं। लीनियर है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, क्वाड्रेटिक है तो इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पावर दो है तो यहाँ पे दो एक्स की ऐसी वैल्यूज होंगी जिनको यहाँ पे रखने से इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन। अभी तो हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे सिलेबस में तीन मेथड दी हुई हैं। सबसे पहली मेथड जो दी है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टर करके हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग जीरोस निकालते थे फैक्टर करके, तो फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। दूसरी हमारे पास मेथड होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फैक्टराइजेशन मेथड होगी। तीसरा होता है फार्मूला मेथड, ठीक है। तीन मेथड हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो तीन मेथड्स हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने की, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टर मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा है फार्मूला मेथड। तो हम लोग इन तीनों मेथड को अलग अलग लेक्चर्स में समझेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय दी फैक्टराइजेशन। तो हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन या मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो देखिए हमारे बुक के एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर थ्री, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर फाइव, हम इन तीनों क्वेश्चंस को मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल थ्री, ठीक है। एग्जाम्पल थ्री क्या है हमारे पास, वो है 2x² - 5x + 3 = 0। इसे हम लोग सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से, इसे हम लोग को सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन या सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन। हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं या हम बोले सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। दो एक्स की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो देखिए फैक्टराइजेशन हम लोगों ने नाइन्थ में भी सीखा था। अब हमें देखिए इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। इस फाइव को हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट में। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 और इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 है, तो मल्टीप्लाई करते थे हम लोग 2 × 3 कितना आया 6, ठीक है। तो हमें इस 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और क्योंकि यहाँ पे प्लस आया है तो ऐड करने पर यहाँ पे 5 आना चाहिए। 5 को ऐसे हमें स्प्लिट करना है ताकि दो नंबर ऐसे सोचो, ठीक है, जिनका मल्टीप्लाई 6 आए और ऐड करने पर क्या आए, 5 आए। तो ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 6 आए। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास यही हैं, 2 × 3 और हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। देखिए क्योंकि यहाँ तो प्लस है, इसका मतलब दोनों जो जीरोज हैं वो प्लस के हैं, और ठीक है दोनों जो जीरोज हैं वो सेम साइन के हैं, और यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब हमें दोनों जो फैक्टर हैं वो सेम साइन के होंगे, मतलब माइनस साइन के होंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब दोनों सेम साइन के हैं,
चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब दोनों माइनस के होंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस टू और माइनस थ्री भी फाइव होता है, और माइनस टू और माइनस थ्री भी जोड़ेंगे तो माइनस फाइव, हमें माइनस फाइव चाहिए यहाँ पे क्योंकि माइनस है इधर, तो इसलिए हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर, देखिए अब एक्स है ना इसके साथ लगा है, तो हम लोग माइनस टू और माइनस थ्री नहीं लिखेंगे, माइनस टू एक्स और माइनस थ्री एक्स लिखेंगे, और प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ऐसे ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है, ताकि हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस फाइव एक्स आएगा, और टू और थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू और थ्री करेंगे तो सिक्स आएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं, टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा टू एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन, और यहाँ पे कितना आएगा, अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे थ्री तो एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास मिलेगा x माइनस वन, जब कॉमन लेंगे तो आएगा 2x माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो इस इक्वेशन के जीरोज क्या होंगे या सॉल्यूशन क्या होंगे, तो अब ये जो वैल्यू है वो जीरो कब होगी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू ज़ीरो कब होगी, इट मीन्स यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो या फिर 2x माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो कब होगी, मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो जीरो कब होगा, जब आइदर ये तो जीरो, ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो, ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। तो x माइनस वन, यहां से x माइनस वन इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू वन, एंड टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहां से x इज इक्वल टू थ्री बाई टू, तो ये दो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू वन एंड x इज इक्वल टू थ्री बाई टू, ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए हमारे पास x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू थ्री बाई टू, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस आर, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन जो हो जाएंगे वो वन कॉमा थ्री बाई टू होंगे या होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जो हमारे पास है। तो सॉल्यूशन ऑफ द इस इक्वेशन जो ये जो हमने सॉल्व किया है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आए हैं वो कितना आया है, यहाँ से आया था x इज इक्वल टू थ्री बाई टू। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन आर वन कॉमा थ्री बाई टू, ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो हम लोग इस आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर की। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फोर क्या है, एग्जाम्पल नंबर फोर जो है वो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये एग्जाम्पल नंबर फोर है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और एग्जाम्पल नंबर हम लोग फाइव को बाद में करेंगे, अभी करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फोर को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए इक्वल टू ज़ीरो, अब हमें इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो ये जो इक्वेशन है इसके हमें फाइंड करना है, इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या होंगे, तो देखिए हमें स्प्लिट करना है इस मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना है, देखिए यहाँ पे कितना नंबर है सिक्स और यहाँ पे कितना है माइनस टू, तो यहाँ जाएगा माइनस ट्वेल्व, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या है माइनस का ट्वेल्व आए, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे माइनस का ट्वेल्व आए और सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का वन आए, तो ऐसे दो नंबर, ठीक है, ऐसे दो नंबर हैं फोर और थ्री, ट्वेल्व, अब फोर में थ्री को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आएगा वन, लेकिन हमें माइनस वन चाहिए, मतलब हम लोग क्या करेंगे माइनस का फोर प्लस का, तो ऐसा, ठीक है, तो इसका मतलब माइनस का फोर है और प्लस का थ्री है तो माइनस ट्वेल्व आएगा, ठीक है, तो ऐसे करना है, तो ये वाला सही है। तो दो नंबर हमने सोचा जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना है माइनस का ट्वेल्व आए और जिनको सप्लाइड करने पर माइनस वन आए, इसका मतलब हम इसे ब्रेक कर देंगे, हम इसे ब्रेक कर देंगे, हम लोग इसे लिखेंगे 4x प्लस 3x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा माइनस वन एक्स आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई माइनस ट्वेल्व आएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2x, तो यहाँ आएगा 3x माइनस टू
तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे हम लोग 3x, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये +1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो 3x-2, तो यहाँ बचेगा 2x+1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x-2। अब देखो यहाँ से जीरोज निकालना है तो क्या आएगा, 3x-2 इक्वल टू 0 एंड 2x+1 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। तो इस इक्वेशन के सोल्यूशन हो गए सॉल्यूशंस ऑफ, ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस आर 2/3 एंड -1/2, 2/3 एंड -1/2, ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 5 सिरप कर देते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 5 है 3x² - 2√6x+2, ठीक है, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने, ठीक है, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर फाइंड करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। फैक्टराइजेशन कर दो, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए 3x² - इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो इसको देखिए 3 2 6, ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और 6 आए और जिनको ऐड करने पे क्या आए, 2√6 आए। तो ऐसे नंबर तो इंटीजर तो होंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पे √6 × √6 जो होगा वो 6 होगा, और √6 + √6 हो जाएगा 2√6, मतलब यही इसके फैक्टर होंगे। तो मतलब हम 2√6 को लिखेंगे √-√6x - √6x+2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लें, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 3 को हम लोग लिख सकते हैं, 3 को, क्योंकि √3 × √3 होता है 3, इसका मतलब 3 को हम लोग √3 × 3 लिख सकते हैं 3 को, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा। और इसको 6 को हम लोग लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √2, मतलब यहाँ पे कॉमन क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, √6 और √2, ये 6 हो गया √6, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, यहाँ से हम लोग √3x कॉमन ले लेंगे, √3x, तो यहाँ बचेगा √3x और यहाँ पे बचेगा √2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वांटिटी आती है उसको, जैसे हमारे पास ये क्वांटिटी इधर आई थी तो हमने ये क्वांटिटी यहाँ लिखी थी, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखे हैं अगर हम, अब हम लोगों ने इन दोनों से √3 कॉमन लिया तो ये आ गया √3x - √2। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेना है, ठीक है, ये चीज़ तो आएगा ही इधर √3x - √2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √2 लिखेंगे, ताकि √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √6, और √2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से √3x - √2 कॉमन लेंगे तो यह जाएगा √3x - 2 = 0, तो यहाँ से हम लोग 0 से निकालेंगे तो √3x - 2 = 0, और √3x - 2 = 0, तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा √3x = √2, तो x = √2/√3, तो यहाँ से भी सेम आएगी √3x = √2, तो x = √2/√3, तो ये इस इक्वेशन के जीरोज होंगे, जीरोज या रूट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन जो जीरोज आ रहे हैं या एक्स की जो वैल्यूज आ रही हैं वही सोल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो फैक्टराइजेशन मेथड में जो हम लोगों ने 9th में सीखा था, फैक्टर फैक्टर ही करना है, उसको इक्वल टू 0 करना है, वहाँ से जो एक्स की वैल्यूज आती हैं वही सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। तो इन इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आई होगी और ये एग्जाम्पल भी अच्छे से आपको समझ में आए होंगे।